नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथी साथी कौन साथी साथी ऊपर देख साथी। गुड बाय मिस्टर साथी। कौन है ये लौंडा? मेरा बेटा सिद्धार्थ साठे, सिड। और ये मजाक लग रहा है आपको? डेढ़ घंटे तक वो पब्लिक टॉयलेट में ऐसे नाक पे रुमाल लगा के बैठा था, तब जाके ये तस्वीरें मिली है। मेरे बेटे की हरकतों पर मुझे शक होने लगा था। बाल बनाता, परफ्यूम छिड़कता था, उसके पीछे एक डिटेक्टिव भेजा, तब जाके मिली ये तस्वीरें। और मैं तो हैरान इस बात के लिए हूं कि मेरे होनहार बेटे को ये पूरे शहर में और कोई नहीं, और आप ही की बेटी मिली। ओ भाई साहब, आपको जितनी हैरानी हो रही है ना, उससे ज्यादा तो हमको परेशानी हो रही है, क्योंकि आपका और हमारा तो कोई मैच ही नहीं है ना। कहां हम खानदानी लोग, स्कॉच के साथ बादाम और पिस्ते खाने वाले कपूर, और कहां आप वो साठे कांदे पोहे और चाय पीने वाले। ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। नकली स्कॉच पीपी कर आपका दिमाग भी बादाम के साइज का हो गया है। ए कपूर्स, कभी नकली स्कॉच नहीं पीते, समझे? अरे नकली असली की बात नहीं, ये दिमाग की। चौदे जाऊदे, आपने कह दिया रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन जरा सोचिए। अरे दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम है? देखिए, अब हमें भी इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बरोबर बोलते ना मी? मैं तो दुश्मन हूं ना उसका, आपर... बाप का हूं मैं। मुझे तो मेरे बेटे की कुछ पड़ी ही नहीं है। अगर हम इस रिश्ते को हाँ कर भी दे तो भी कुछ नहीं होने का। वो लड़के के माँ बाप खिलाफ है इस शादी के। दो दिन का जवानी का जोश, बाप कौन माँ कौन, साल में एक बार हैप्पी मदर्स डे, बाप की तो जैसे कोई गिनती है ही नहीं। आओ पर तुम्हीं साल गाप बघाता। एक बेटा मैं हो चुका हूं, अब दूसरा नहीं खोऊंगा। इस बार मैं किसी के नहीं सुनूंगा। से अप्पा, तभी मैं कहूं कि तैयार शहर होके कहां जाती है, इससे मिलने जाती है। आने दो जिसे, मैंने उसकी चित्रों लकी ना। चुप कर, अकल कहां है तेरी, घुटनों में? दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अगर भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम? हाँ वैसे कहा तो आपने सही है, क्या कर लेंगे हम, लेकिन क्या करें हम? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या करें हम? एक मिनट बाबा जी मदद करो। बाबा जी की जय हो। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी मैं बन्ने। बाबा जी मेरी पत्नी को कई साल हुए बच्चा नहीं हुआ है, कोई उपाय बताइए। मुझे गन्ने के खेत क्यों दिखाई दे रहे हैं? गन्ने के खेत? जाओ गन्ने का जूस पियो बन्ने, फसल खुद ब खुद उग जाएगी। जय हो बाबा जी की, प्रणाम। खुश रहो। अरे बेटी। बाबा जी हाँ आ जो हाँ आओ। जय हो बाबा जी, जीती रहो। जय हो। सुनाओ बेटी। बाबा वो जवान बेटी है, गलत लड़के की संगत में पड़ गई है,
कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे? आप ही कुछ कर सकते हो बाबा, बचा लो उसे। बाबा बस आपका ही सहारा है, मुझे ना कई बार डर लगता है कहीं मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो जाए। चिड़चिड़ बहुत करते हो। सही कहा आपने बाबा, सही कहा, इनका पारा ना हमेशा ही आई रहता है। मिलन हो गया क्या है जी? मिलन का मतलब संभोग, इंटरकोर्स, सेक्स हो गया। अब बाबा आपसे क्या छुपाना, अब तो कई कई दिन हो जाते हैं, डायबिटीज की बीमारी है और ब्लड प्रेशर है, थोड़ी गैस की भी प्रॉब्लम है। इश, तुम दोनों की नहीं है? बच्चों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात लग तो नहीं रही, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, पर जमाने का क्या करें, पढ़ाई खराब है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ना बाबा, कुछ कीजिए बाबा। गोल गप्पे, मुझे गोल गप्पे क्यों दिखाई दे रहे हैं? गोल गप्पे है? आखिरी बार तुमने गोल गप्पे कब खाए? वो तो एक अरसा हो गया बाबा, जब से पाइल्स की शिकायत हुई है ना, तब से बाहर का खाना बंद कर दिया, अब तो जो ये बनाती है वो ही खाता हूं। जाओ गोल गप्पे खाओ, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। जय हो बाबा, जय हो, जय हो बाबा। गोल गप्पे? अरे बाबा ने कह दिया ना अभी सब। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। मैंने कहा था ना बाबा ही रास्ता दिखाएंगे। और रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन गोल गप्पे वाला किधर है? और रुको भाई, कोई दुकान देखो यार, गोल गप्पे की दुकान मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे चलो, कोई गोल गप्पे वाला ही नहीं, समझ ही नहीं आता। ओ ओ पानी पूरी, ओ ओ गोल गप्पे, रुको रुको रुको, पानी पूरी पिला ना। हां और नीचे उतरेगी तो देगा ना, यहां थोड़ी लाएगा। चलो आराम नाल, आराम नाल, इस तरफ आ जाइए। अब ना भाई, दो प्लेट बना जल्दी। अरे ओहो साडे साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं तो बस यहाँ क्लाइंट मीटिंग के लिए आया था तो। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे गोल गप्पे खाने आऊंगा, गोल गप्पे की दुकान पे, जलेबी खाने तो आऊंगा नहीं। ये लड़के का बाप है, इसका तो बैंड बजाता हूँ अभी। आप एक बार क्या कर रहे हो? बाबा जी की बात याद है ना, यही तो उनका इशारा है। रुको मुझे बात करने दो, आप तो ऐवें गर्मी खाओगे। भाई साहब, वो हमें पता आपको रिश्ता पसंद नहीं है, वैसे हमें भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है आपके बेटे में। अब आप ठहरे वकील, आप ही कोई रास्ता निकालो, ये तो गर्मी पे फिर मेरा तो आप ज्यादा समझदार लगती है इनसे। बस वो आप देखिए, आप बताइए, मुझे बताइए, साइड तो हो जाए जरा। हाँ जी बोलिए। देखिए मैंने सोचा है कि जो बात हम कहेंगे वो मानेंगे नहीं, मीठा ज्यादा, तो वो अपने आप मान जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा कुछ बताइए। बताता हूँ। देखिए, एंगेजमेंट हो जाने के बाद 3 महीना आपकी बेटी हमारे यहाँ रहेगी, लेकिन सिड आपके घर रहेगा। दोनों एक दूसरे को अकेले में मिलेंगे नहीं। अब क्या है, आपका रहन सहन, आपका खान पान सिड उससे आदि नहीं है, तो वो उब जाएगा। और मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट फादर हूँ, मेरे घर पे तो वो दोनों अपने आप ही समझ जाएंगे कि भाई वो तो एक दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है साहब। है नहीं, मैं दारू नहीं पीता। नहीं नहीं दारू नहीं, थम्स अप। हाँ थम्स अप पीता हूँ। हो गई बेगल? हाँ चलिए। हाँ पानी पूरी। हाँ ले आ भाई। तुझे क्या लगता है तेरा बाप जल्लाद है? अरे बेटा है तू मेरा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। मतलब कोई लड़की वड़की अगर कोई पसंद किया है तूने तो बता दे। मम्मा उसका नाम सिद्धार्थ साठे है, मेरे ऑफिस में काम करता है। देखा साठे, पंजाबी नहीं होते साठे। बाबा वो मेरे साथ ऑफिस में ही काम करती है। अच्छा, उसके पापा का एक रेस्टोरेंट है डाबा। कुछ नहीं आगे बोल। मम्मा महाराष्ट्रन है पर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। पापा आपको पता है उसके डैड ना बहुत बड़े लॉयर हैं।
बाबा बहुत अच्छी लड़की है वो, प्लीज एक बार मिल लो ना उससे। उसे क्यों मिलूं? अरे उसके घर वालों से मिलूंगा, जा जाके बता दे उनको अगले संडे हम आएंगे लड़की के घर लड़की देखने, जा। आप दोनों एक बार उससे मिल तो लो, फिर जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसा करूंगी पक्का। आप बताओ। ठीक है, अगले संडे पक्का। पक्का पापा? थैंक यू। अगले संडे? खुश, मैं अभी फोन करता हूँ उनको। हाय है ला। वहां दो। लो जी। आ, नहीं नहीं आप लेंगी? नहीं थैंक यू, ले लीजिए ना। मना कर रहे हैं वो, उधर पूछ लो। आप लो सिट। शन्नो सिड, देखो हम तुम दोनों की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए इस शादी से हमें कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन तुम दोनों को भी हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा। अब क्या है, शादी सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं होती, वो दो परिवारों के बीच में होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम दोनों एक दूसरे के कल्चर फैमिली वैल्यूज को अच्छी तरह समझ लो, और वो भी शादी से पहले। इसलिए हमने ये तय किया है कि एंगेजमेंट के बाद सिड तुम 3 महीनों तक मिस्टर कपूर के घर पे रहोगे, और शन्नू बेटी तुम हमारे घर पे रहोगे, और इन 3 महीनों के दौरान तुम एक दूसरे से मिलोगे नहीं। हाँ बेटा, और अब मेरा ढाबा तुम्हें ही चलाना है। और शन्नो, ये ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे, साड़ी पहनना सीख लो। लवकार तुम्हें जरा गप्पा बसा का काय मंडल, क्यों डरा रहे हो बच्चे को? मैं कहा डर रहा हूँ? काई नहीं गमी, मैं सिखा दूंगी तुझे। हाँ बहन जी, आप मेरी बेटी को साड़ी पहनना सिखा दीजिए, और मैं आपके बेटे को आटा गूंदना सिखा दूंगा। देखो जी, मुझे तो इतना पता है, where there is a will ना, there is always a way। मम्मा, where there is a will, there is a way। भाई साहब, मेरी बीवी की इंग्लिश ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। ओ छोड़ो जी, आप तो जी समोसे खाओ, हमारे ढाबे के बने पुत्र, ये भी बनाने सीखने पड़ेंगे। Have you people gone crazy? Resignation देना चाहते हो? अरे तुम लोगों का ब्राइट फ्यूचर है भाई, तुम्हारे पापा से तो मैं बात कर लूंगा, तुम अपने पापा का नंबर दो। सर प्लीज सर, हम प्यार का इम्तिहान देना चाहते हैं सर। अरे तुम लोग अपने प्यार के इम्तिहान के चक्कर में मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? सर प्लीज, आप तो हमें सपोर्ट कीजिए। मगर एक शर्त पे, वो रेजिग्नेशन तो भूल जाओ, वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, अब दोनों चालू चैनल में वापस आ जाओगे। एंड ऑल द बेस्ट टू यू, टू बोथ ऑफ यू, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, एंड कम बैक सून, ओके? गुड लक। थैंक यू सर। मैं आपको आई बुला सकती हूँ ना? क्यों नहीं बुला सकती? अगर मैंने तुझे अपनी बेटी मानी है
तो रिश्ते में मैं तुम्हारी माँ हुई, है ना? हाँ, तो आई मैं ये पूछ रही थी कि आप इस बस्ती में कब से पढ़ा रहे हो? मेरा सिद्ध होने के बाद मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। हाँ, तब मेरा मंगेश 5 साल का था और शिक्षा भी। शिक्षा कौन? शिक्षा मेरी काम वाली भाई शांता, उसकी बेटी। अच्छा। मेरे मंगेश के साथ खेलने आती थी, उसकी किताबें खोलकर पढ़ने बैठती थी और फिर शांता का काम खत्म होने के बाद अपने आई के साथ घर वापस चली जाती थी। छोटी सी थी। एक दिन मैंने शांता को पूछा, तब मुझे पता चला कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजती है लेकिन शिक्षा को नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो लड़की है। तब मुझे सडनली बहुत फील हुआ कि इस देश में ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनके नाम में ही सिर्फ शिक्षा नसीब है, किस्मत में नहीं। और फिर मैंने टीचर का जॉब छोड़ दिया और यहाँ इन बस्ती के बच्चों को पढ़ाने लगी। पर आई, बाबा ने आपको रोका नहीं, मतलब ऐसे बस्ती में आके पढ़ाने के लिए? उन्होंने ही तो मुझे इनकरेज किया है। तेरे बाबा बाहर से जितने सख्त लगते हैं उतने ही अंदर से नरम हैं। वकील है ना, अपनी फीलिंग्स को चेहरे पे कभी आने नहीं देते। अब तो पक्का ही, मैं भी आपके साथ इस बस्ती में रोज पढ़ाने आऊंगी। पक्का? पक्का। आई? हाँ? आप और बाबा बहुत स्वीट हो, इसे मराठी में कैसे बोलेंगे? काय? आप और बाबा बहुत स्वीट हो, उसे मराठी में कैसे बोलेंगे? काय नहीं, आई बाबा तुम्ही दोगा खूब गोड़ा हाथ। आई बाबा तुम्ही खूब गोड़ आहत। हाँ, बर किती गोड़ है ना हो पोर, देखे ना। कुछ दिन ही हुए इसे घर आके, ऐसे लगता है अपने घर की बच्ची है, हो कि नहीं? पता नहीं वहां मेरा सीख कैसा होगा, कुछ खा पी रहा होगा कि नहीं। ये बता, तू वकील का बेटा वकील क्यों नहीं बना? अंकल बचपन से शौक था कहानियों का, लिखने का, तो मैं राइटर बन गया। अच्छा, लेखक बन गया, लेकिन तू करता क्या है एग्जैक्टली? चैनल में क्या तेरी पोस्ट क्या है? जी मैं कंटेंट हेड हूँ। कौन सा टेंट हेड है? कंटेंट हेड, शन्नो भी साथ में काम करती है। शन्नो को छोड़ यार, शन्नो तो ऐसे टाइम पास के लिए काम करती है। चल जो भी हेड है तू, पर ड्रिंक बना, चल ड्रिंक बना। तो बचपन से राइटर बनने का शौक था, लेखक बनने का? जी अंकल। शुक्र है हीरो बनने का शौक नहीं पड़ा तेरे को। वरना पता नहीं क्या हो जाता। वाह, ये क्या बना है? पेग। अबे तेरे बाप ने तुझे ड्रिंक बनाना भी नहीं सिखाया? वो नहीं पीते। तू तो पीता होगा। जी सिर्फ बियर। अबे बियर तो लड़कियां पीती हैं। सिर्फ बियर। अबे ड्रिंक तो मैं करता था 14 साल की उम्र से ही, सिर्फ नीट। और बाय गॉड एक बार जब टन हो जाता था ना, उसके बाद जो ओए होए, जो रुमाली रोटी हवा में ऊपर जाती थी, जक। अच्छा ऐसे बनाते हैं, मुझे भी सिखाओ ना पूरा। छोड़ो ना भाई, ये काम मेरा है, तुम कहानी वानी लिखो। हेलो। हेलो सेठ, क्या कर रहा है? तेरे बाप के ढाबे में काम कर रहा हूँ, आटा गूंद रहा हूँ, रोटियां बना रहा हूँ और उसके ऊपर तेरे बाप के ताने भी सुन रहा हूँ, और तू वहाँ पे ऐश कर रही है? मैं ऐश कर रही हूँ? यहाँ आई और बाबा का ख्याल कौन रख रहा है? और तुझे पता है
मैं मराठी बोलना सीख रही हूँ और तो और आई के साथ बस्ती में बच्चों को पढ़ाने भी जा रही हूँ और तू मुझे ऐसी बातें बोल रहा है। अच्छा सुनना, आई लव यू बोलना प्लीज। सिद्धार्थ भाई, बार मैन ने बुलाया आपको, जल्दी। वेटर भी बना दिया, मुझे जाना है, बिजी हूँ, बाय। हेलो हेलो सिट, सुन तो। हाँ। कमाल है यार, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा है, खाली चावल खा रहा है। रोटी छोटी ले रहा है, मैंने खा लिया। ले लाना यार, फड़ ज्यादा हो जाएगा। चिकन भी ले, चिकन लेना। मैं काफी। अंकल मैं क्या कह रहा था, सिट यहाँ पर आपके ढाबे पे और शर्नो वहां पर सिट के घर पे, वो भी साड़ी में। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर अंकल। आंटी मुझे लग रहा है कि जाती हुई है। वो जाती वाती कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे आजकल लड़का लड़की कहते हैं कि भाई शादी से पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, वैसे ही हम कह रहे हैं कि भाई लड़का लड़की जो है एक दूसरे के परिवार को भी अच्छी तरह जान लें। भाई आफ्टर ऑल जो है शादी दो बंदों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता है। अब जैसे देख, तू हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये सिड, इसको क्या पता है हमारी फैमिली के बारे में, हमारे ट्रेडिशन। बहन की शादी की बात चल रही थी ना। ओहो मैं भूल ही गया, बातों बातों में ये बात तो भूल ही गया। आंटी लड़का पसंद कर लिया, बस अगले हफ्ते एंगेजमेंट है, पर आप दोनों को आना है। और हाँ भाई सिड, तेरे को भी आना है। आएंगे भाई आएंगे, हम तो जरूर आएंगे। वैसे आजकल कर क्या रही है कोमल? अंकल वो रिसर्च कर रही है एनिमल ऑर्गेनिज्म पर। वाह भाई, बड़ी तरक्की कर ली है इंडिया ने। है बिल्कुल जी, जानवरों के ऑर्गेज्म के ऊपर भी रिसर्च हो रही है, ये मामूली बात नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है ये। हाँ आंटी, वो ऑर्गेनिज्म एनिमल ऑर्गेनिज्म। हाँ एक कोई गल है, ऑर्गेज्म ऑर्गेनिज्म। अरे यार एक बात माननी पड़ेगी भाई, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मेरी बीवी का अंग्रेजी में। छोड़ो जी, आप तो बस ना मेरी तारीफ करने के बहाने ही ढूंढते रहते हो। क्या करूं, मेरा ना दिल ही कुछ ऐसा है, तेरी अंग्रेजी है। तो अंकल मेरा खाना हो गया है, मैं चलता हूँ। ओहो कहाँ जा रहे पुत्र? काम बहुत है जी। अरे अच्छा, काम हो जाएंगे, जाने देना, उसकी बहन की शादी है, 10 काम होंगे घर पे उसको। कोई नहीं, एक दिन में 10 काम हो जाने, आप भी ना बड़े हरकुलिस। हरकुलिस? नहीं नहीं अंकल, उनका मतलब है रिडिकुलस। हाँ इंग्लिश। देखा दो दिन में कितनी अच्छी तरह मुझे मिसअंडरस्टैंड करने लगा ये, और आप लोग। आंटी वो मिसअंडरस्टैंड नहीं, वो अंडरस्टैंड यार। इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता अंग्रेजी में। थैंक यू। पापा, आशीष की बहन की एंगेजमेंट है और उसने आप दोनों को भी इनवाइट किया है। मैं क्या करूंगा, वो शोर शराबा, वो नाचना गाना, वो सब मुझे पसंद नहीं है। मैं तो दारू भी नहीं पीता। तुम्हें जाना है तो जाओ। आई? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। तू एक काम कर, तू स्वाति के साथ चली जा, उसकी कंपनी मिलेगी तुझे। ठीक है आई। स्वाति क्या करेगी वहां जाके? स्वाति इधर आओ। आशीष ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त स्वाति, और स्वाति ये है हमारा दुल्हन का भैया और मेरा बचपन का दोस्त आशीष। हाय। हेलो। मम्मी आ गई, मैं बाद में मिलती हूँ, ओके तुम लोग बात करो। तो आप हैं स्वाति जी। फाइनली शन्नो से आपके बारे में बहुत कुछ सुना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, आर्किटेक्चर में गोल्ड मेडलिस्ट, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत रुचि है आपकी। शन्नो की तो आदत है बड़ा चढ़ाकर बोलने की। आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है उसने जो कुछ भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। और क्या चल रहा है आजकल? अभी अभी मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, एमसी थॉमसन। एमसी थॉमसन जी, आई डोंट बिलीव दिस। उसी बिल्डिंग में हमारा भी ऑफिस है और हम आज मिल रहे हैं फाइनली। You know what? We should meet more often. एक मिनट, लगता है मेरा ही फोन बज रहा है। हाँ, ओ, एक मिनट। जरूर। कपूर साहब, वक्त आ गया है अपनी अगली चाल चलने का। आप बिल्कुल चिंता ना करो साठे साहब, आज मौका भी है और मौके पे मैं चौकर लगा ही दूंगा। और आप स्वाती, स्वाती!
जल्दी जाओ।